कितनी बड़ी मुंडी है गाइस इसकी, कितनी ज्यादा बड़ी मुंडी है। सत्तर हजार का आता है कोई, 70,000 1,00,000 का भी आता है गाइस। ये देखो दो मुंडी वाला रावण, इसके आगे भी मुंडी है और इसके पीछे भी मुंडी है, देख रहे हो दांत वाला रावण है, देख लो आप, देख सकते हो पैर बना रखे पूरा। भैया आपने बनाया मिल के, अच्छी कलाकारी है, नथ बना रखे गाइस रावण को, देख लो। क्योंकि आज हम जा रहे हैं रावण मार्केट, क्योंकि 5 को दिशहरा है ना, 5 अक्टूबर को, तो बहुत सारे लोग मतलब कि जाएंगे रावण लेने खरीदने वगैरह, तो वही सबसे ज्यादा चीपेस्ट मार्केट, सबसे कम दाम में कौन सा रावण मिलेगा, सबसे ज्यादा बड़ा कितने फुट का और कितने रुपए का, वो दिखाऊंगा आज आप लोगों को। ये मार्केट है गाइस 3-1, सुभाष नगर, रजौरी गार्डन और टेगोर गार्डन, यहाँ पर रावण ही रावण है भाई, जितने देखोगे रावण ही रावण। और मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि 3 साल के बाद रावण देखूंगा, क्योंकि कोविड की वजह से तो बंद, फिर उसके बाद यहाँ पर भी रामलीला चल रही है हमारे पीछे, जहाँ पर रामलीला ग्राउंड है वहां पर लगेगा दशहरे पे रावण। तो चलो पापा के साथ निकलते हैं सुभाष नगर और आपको दिखाते हैं रावण मंडी। हेलो, बढ़िया पापा, तो सुबह सुबह जाके, सुबह नहीं शाम में जाके रावण की फोटो भी खींचे, पापा कैसे लगे हुए रावण? अच्छी सजावट करी है ये सारे, बढ़िया। अभी तो जाके पता लगेगा, मैंने भी अभी खाली मेट्रो से जाता हूँ ना, तो मैं मेट्रो से देखता हूँ, अभी वहां जाके पर्सनली जाके देखूँ कितना साइज हो रहा है भाई, मजा आएगा, फुल ऑफ एक्साइटेड हो रहा हूँ यार गाइस, मैं भी देखने के लिए। सोचो मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, तो आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे गाइस। यहाँ से चालू हो चुके हैं रावण दिखना, ठीक है पास जाके दिखाता हूँ, देख लो गाइस कितने बढ़िया लग रहे हैं मुंह गाइस इनके। अभी रोड के उस तरफ भी है, वहां पर भी चलेंगे, ठीक है। और ये इनके घाघरा वगैरह पड़े हैं, कितनी बड़ी मुंडी है गाइस इसकी, कितनी ज्यादा बड़ी मुंडी है। अभी यहाँ पर फिलहाल रावण बन रहे हैं गाइस, भैया रावण बना रहे हैं। भैया ये कैसा दिया, ये वाला कैसा दिया, ये वाला रावण कैसा दिया? और जो सबसे बड़े वाला रावण है ये वाला, इसका कितना प्राइस रहेगा? 25,000। और इसको मतलब कि बनने में कितना टाइम लगता है? अभी ये जो बना रहे हो आप, तो इसको कितना दिन लग जाएगा, पूरा पूरा तैयार हो जाएगा? अभी देख सकते हो गाइस कितने बढ़िया लग रहे हैं यार गाइस। ये देखो दो मुंडी वाला रावण, इसके आगे भी मुंडी है और इसके पीछे भी मुंडी है, देख रहे हो। पूरी लाइन से ही रावण लगे हुए हैं गाइस, देख सकते हो। अब इसके ऊपर क्या लिखा है? वैसी बरनी अंत पूरा। ये भैया पूरा रेडी कर रहे हैं, हेलो कर दो भैया। आपके कौन सा, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है इनमें से? ये सारे आपके ही हैं? प्राइस बताना एक बारी इसका कितना है, ये वाले रावण का कितना है? अच्छा आपके पास सबसे छोटे रावण और सबसे बड़े रावण का कितना प्राइस बन जाएगा? आप बताइए कितने फुट से चालू होता है? अच्छा वो कितने का, वो कितने का, कितने का? 1,000 रुपए का पड़ेगा। 1,000 रुपए का, वो दिखा सकते हो हमको एक बारी आप? अच्छा और सबसे महंगा रावण? सबसे महंगा यही बात है, आपको जैसा बनवाएगा जैसा नहीं, वैसे कोई तो लेता ही होगा। जैसे ये एमएलए वगैरह जो होते हैं अपने ग्राउंड में, पार्क में, दशहरा ग्राउंड में लगाना होता है, वो कितने तक का रावण लेते हैं, मतलब कि सबसे महंगा? 70,000 का आता है कोई, 70,000 1,00,000 का भी आता है? आता आता है। दिखाओ रावण के बारे में थोड़ा दिखाओ, पैसा। अच्छा कोई यूनिक सा रावण है, कोई अलग सा रावण जिसको देख के की भाई मजा आ जाए, कि जैसे नॉर्मल आपने कुछ डबल मूछे ट्रिपल मूछे वाला ऐसे कुछ है? वो। अच्छा अच्छा दिखाओ थोड़ा आगे आके, दिखाओ मेरे को रावण के बारे में। गाइस आप ये सिल्वर वाला देख सकते हो, दांत देख ले, इसने ब्रश नहीं करा गाइस अभी, इसके दांत पीले पड़े, इसने ब्रश नहीं करा अभी। और ये वाला काला रावण देख लो गाइस, आओ भी आओ आगे आगे, चलो दिखाओ
पूरी आपकी दुकान वगैरह नंबर वगैरह सब कुछ दिखाना आप, ठीक है? हाँ चलो। तो गाइज ये वो स्पॉट है जहाँ वो भैया बैठ के रावण वगैरह बनाते हैं। ये पूरा हरा हरा रावण देख लो। ये क्या लेवी है इसके अंदर? लेवी है? इसके अंदर लेवी है? लेवी हाँ। गाइस ये लेवी होती है। अच्छा तो ये छोटे रावण चालू हो जाते हैं ना गाइस, देख लो अगर किसी ने आना है तो यहाँ के ले सकता है। ये सबसे छोटा रावण है। इसका कितना पड़ जाएगा? इसका कितना? इसका ये 600 रुपया। इसका 600 है गाइस। इन दोनों का इसका 1000 रुपया और उसका 1500 रुपये गाइस। और जो बाकी बड़े वाले तो इनका रेट आपको पता ही होगा गाइस, 12000, 10000, 6000 ऐसे पड़ जाता है। भैया एक बारी दुकान का नाम बता दो और कहाँ पर है ये वो बता दो। कहाँ? अच्छा बोर्ड लगा है, बोर्ड। तो गाइस बोर्ड देख लो, बहुत सिंपल है। सुभाष नगर यहाँ से आओगे ना गाइस आप पैसिफिक मॉल से, तो बिल्कुल सामने आती है आपको, रोड पे सीधा आओगे ना वहीं से आपको दिख जाएगा सारा कुछ। रावण ही रावण पड़े हैं और बिल्कुल लाल बत्ती के इधर ही है इस तरफ। और जो आगे ये भी आपके सारे अंकल जी से बात करते हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या बोल दो, बोल दो, बोल दो। पिल्लर 446। ये सारे रावण अंकल आप कब से काम कर रहे हो रावण का? पूरा कितना टाइम हो गया? 45 साल हो गया। बाकी आप पता है 3 साल से कोविड की वजह करके नहीं बन रहा था। जब भी अकेले ने बनाए थे दोनों कोविड में। अभी जैसे ये बुकिंग चालू होगी इन रावणों की? पहले कोविड था ना, जब पहले लॉकडाउन था उसमें तो अयोध्या भेजा मैंने पुतला। भेजे अयोध्या में दशहरा मना था ना रामलीला। आगे भी इनकी रावण लगे हुए हैं। देखो तो ये देखो गाइस सारे अंदर घाघरा घूघरा पड़े हैं इनके, छाती घाघरा सब कुछ इनके अंदर ही पड़े हैं। देख रहे हो, देख सकते हो गाइस अंदर पार्क में अभी एंट्री बंद है फिलहाल। ये देखो मैं पीछे खड़े हूँ, डबल मुंडी वाला है गाइस पूरा। भाई सब कितने बड़े लग रहे हैं, ऐसा होता है अंदर से गाइस ये। तो गाइस अभी हमने एक जगह पता कर लिया और आप लोगों को बता दिया लोकेशन बिल्कुल। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट है इसके। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके और थोड़े और अच्छे एक्साइटिंग रावण मिलेंगे। भाई तो मजा आ गया, पापा वगैरह तो सब एकदम रावण से मस्त फोटो खिंचाई जा रही है। पापा जी कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ठीक है बेटा, रावण बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। हमारा एरिया पूरा टैगोर गार्डन का बहुत गार्डन का एरिया मशहूर है ये पूरा। रावण पूरे एरिया के लोग यहीं से ले जाते हैं। मेन क्या है गाइस, 3 साल बाद देखे ना वो ज्यादा अच्छी एक्साइटमेंट हो रही है रावण देखने की। रोड के दूसरी तरफ आ गए हैं, यहाँ पर ही रावण देखो, दांत वाला रावण देख लो आप, देख सकते हो वैम्पायर बना रखा है पूरा। अभी फिलहाल रेडी हो रहा है, इसके आंखें वगैरह रह गई हैं। भैया बना रहे, क्या नाम है भाई आपका? ये सारे रावण तुमने बनाए हैं? कितना कितना प्राइस है इनका बताओ? सामने आ रहा, सामने आ रहा, सामने आ रहा। इसका 35000 रुपया और बाकी 18000। सबसे छोटा रावण और सबसे बड़ा रावण कौन सा तुम्हारे पास? आ रहा साथ में आ जा। तो गाइस ये इनकी शॉप है भैया की, ये देख लो, ये सबसे छोटे रावण है गाइस। इनका कितना प्राइस पड़ जाएगा? ये 800-800 के हैं। बुकिंग वगैरह चालू हो गई है सारी? सारे कौन कौन से बुक, ये वाला बुक हो गया जो बन रहा है? ये सारे बुकिंग के हैं। सारे बुकिंग के हैं। अगर हम दशहरे से एक दिन पहले लेने आए, ठीक है दशहरे से एक दिन पहले लेने आए, 30 फुट का मिल जाएगा? अच्छा मिलेगा नहीं उस टाइम पे, अभी बुकिंग करेंगे तो मिल जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो अगर आप दशहरे से एक दिन पहले भी आओगे तो आपको रावण नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग के हिसाब से सिस्टम चलता है। बाकी भैया से पूछवा देते, भैया क्या नाम है आपका? कितना टाइम हो गया भैया आपको रावण का काम करते हुए? ऐसा 12 साल हो गए। कलाकारी भैया अच्छी है ये वैसे, ये वाला रावण पहली बार देखे दांत वाला, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल पेस्टिंग हो जाती है ग्लेस पेपर की, ये भैया ने बनाया। क्रिएटिविटी गाइस, गाइस ये देख लो पूरा। भाई इसकी छाती घाघरा कहाँ पर है? अंदर है ये रावण गाइस मेकिंग हो रहा है अभी। ये फिलहाल ये लेवी है गाइस, हाँ लेवी है, लेवी ये जो लग रही है इस पर, और यहाँ पर इसकी पेस्टिंग चल रही है। देखो अभी थोड़ा बहुत ग्लेस पेपर लगाने वाला हो रहा है, ये देखो बाकी कोई रावण। हाँ ये देखो जैसे मुँह इसका थोड़ा सा रेडी हो गया, इसके दांत वगैरह रह गए। और भाई क्या नाम है आपका? मन्नू भाई, बहन का भी मेरा नाम मन्नू ही है। तो ये देख लो गाइस कुछ ऐसा हो रखा है यहाँ पर। बाकी गोल्डन गोल्डन भी देख लो गाइस, क्या बढ़िया लग रहा है यार। बढ़िया लग रहा है।
एक और पुतला है गाइस यहाँ पे। पापा इधर फोटो खींचो, इधर फोटो खींचो। ये हमारी चौंडी की संस्था जो रामलीला कर रहे हैं, तो उन्होंने रावण यहीं से बुक करवाया है, इसी पार्टी से। तो अब रावण एक दिन पहले जाएगा यहाँ से, अपना 5 तारीख से पहले एक दिन पहले जाएगा, 4 तारीख को यहाँ से हम ट्रक में लोड करके ले जाएंगे यहाँ। पर्पल वाला देख लो गाइस, पर्पल। इसके अभी दांत नहीं लगे, बाकी सब कुछ लग रखा है। ओए आगे तो एक रेडी भी है गाइस, आगे चलते आओ। छोटा रावण, ये उससे छोटा, ये अभी रेडी हो रहा है। तो गाइस ये है छाती इसकी, और घाघरा दोनों अटैच है इसके अंदर। ये देख लो मुंह गाइस। अंकल जी फिलहाल बना रहे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? ये आपका डिपार्टमेंट कहाँ से कहाँ तक है? लेके हाँ जी। अच्छा अच्छा, रावण बनाते थे जो लाला नाम था उनका। अंकल ये वाला रावण बुक हो गया? नहीं। अंकल ये वाला रावण बुक हो गया? अभी नहीं। कितने का है, क्या प्राइस है इसका? 18,000। तो गाइस अगर आपको ये वाला रावण लेना है तो आप यहाँ के ले सकते हो। एड्रेस भैया बता दो एक बारी, क्या है ये इसके पीछे लगा हुआ है, फिर भी बोल दो। 453 नंबर किला, नाम वाले। और अगर आप गाइस हमारी वीडियो देख के आओगे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा अंकल जी। तो गाइस अगर वीडियो देख के आओगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रावण है गाइस कुछ ऐसा, भैया आपने बनाया? मिल गए, अच्छी कलाकारी है। नथ बना रखे गाइस रावण को, देख लो बाली। हाँ नथ बाली वही। और भी आगे क्या? ये गाइस छोटे रावण हो गए। भैया कुछ इनकी डिटेल्स बता दो, कितने कितने के, कितने पैसों के, इससे शुरुआत कर दो। ये 700 का। और ये 7,000 का पड़ेगा। इसका मुंह का है, इसका मुंह का है मुंह। ये वाला, इसका गाइस मुंह ये है। 7,000 का रावण है गाइस, मात्र 7,000 का। और इनका जो छोटे छोटे नीचे पड़े हैं, ये गाइस 4,000 पे गया। इनकी छाती वगैरह आपको मैंने दिखा दी थी, वो पड़ी, वो देखो पीछे नीचे। ये देखो ये पूरा काला ग्लेस पेपर से लगा हुआ है पूरा, मस्त एकदम। ये अपना भाई अंधेरे में मेहनत कर रहा है। और भाई क्या नाम है आपका? ये हाथ बना रहे हो भाई हाथ? ये देख लो गाइस अभी फिलहाल रावण के हाथ बन रहे हैं। इसके ऊपर ग्लेस पेपर भी गाइस ब्लू ही चढ़ रखे, और हाथ भी ब्लू कलर के हैं सेम। ये देखो स्ट्रक्चर इसका जैसे। भैया ये आपने बनाया, इसके अंदर और गोले नहीं बांधते? जैसे एक गोला उधर है, एक गोला इधर है, यहाँ पर बीच में गोले बांधने की जरूरत नहीं है इसकी? पहले हम भी राउंड बनाते थे ना, तो मतलब कि हाथ वगैरह सब कुछ बीच में गोले 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 ऐसे डाल के, ताकि टूटे ना, ऐसे करते थे हम लोग। ये देखो हाथ वगैरह पड़े हैं, ये घाघरा पड़े, ये घाघरा छाती है भैया, छाती लग रही है। तो गाइस ये देखो छाती पड़ी है, बड़े रावणों की छाती पड़ी है। देख रहे हो? अरे भैया जी लेवी बना रहे हैं, देखो कैसे बनती है लेवी। कितना आरा रोड है भैया इसमें? कितना आरा रोड है? एक किलो। ये अंकल ग्लेस पेपरों पे कितना खर्चा हो जाता है? 10-10 रुपए की ये। और ये गोल्डन वाली तो और महंगी होगी। गोल्डन वाली ज़्यादा महंगी। आपका कितना खर्चा हो जाता है लगभग रावण, हर साल इतने रावण बनाने में? 1.5-2 लाख लग जाते हैं। और कितना प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर? प्रॉफिट हो जाता है 1.5 लाख। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट खा ली। देख लो गाइस हार्ड वर्किंग है सारी चीजें, ये देख लो। और ये सिर्फ गाइस आपको इंडिया में मिलेगा, इंडिया के बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। ये नहीं, ये दशहरा वगैरह जो फेस्टिवल हम बनाते हैं, त्योहार, खाली इंडिया में बनते जाते हैं खुशी धूमधाम से, और कहीं नहीं बनेंगे। हाँ जी, तो गाइस आप लोगों ने देख ली होगी रावण मार्केट पूरी सुभाष नगर की। और इसको अगर रावण लेने तो आके ले लेने यहाँ के। 18,000 का रावण मिल रहा है, 4,000 का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है, 800 का मिल रहा है, 6,000 का मिल रहा है। सतनाम श्री वाहिगुरु। सारे रीजनेबल प्राइस, जो आपको प्राइस पे जी आके ले जाओ। और तो फिर इसी के साथ यहाँ पर करते हैं आज का ब्लॉग एंड।
तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एंड हाँ गाइस थैंक यू 500 सब्सक्राइबर अपने पूरे हो गया, मतलब कि आधी जर्नी अपनी पूरी हो गया, खाली आधी रह गई है, इसको भी हमने फटाफट से कंप्लीट करनी है। आप लोगों के प्यार की वजह से सिर्फ मैं ये ले पाया हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड